तो जय हिंद दोस्तों, आज सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। भाई जो भी भाई एसजीडी की तैयारी कर रहे हैं, एस्पिरेंट हैं, अब की बार उनका रिजल्ट नहीं हुआ है, उन सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ चुकी है। भारत सरकार की तरफ से एसजीडी में न्यू वैकेंसी आने वाली है, करीबन 1 लाख से लेकर 1.5 लाख पदों पर आने वाली है। अब दोस्तों एसजीडी की वैकेंसी कैसे आएगी, कब आएगी और आपका एग्जाम कब तक होने वाला है, सारी जानकारी भारत सरकार ने दे दी है दोस्तों ऑफिशियली वो भी। और वो आप कहां से देख सकते हैं दोस्तों, पीआईबी की वेबसाइट पे भी जाके आप देख सकते हैं। देन दोस्तों ऑफिशियली सरकार ने ट्वीट भी किया हुआ है। अब ये वैकेंसी कितनी आ सकती है, तो मैं बता दूं 1 लाख से लेकर 1.5 लाख वैकेंसी आ सकती है। अब ये वैकेंसी कौन कौन से पदों के लिए आएगी, तो मैं बता दूं बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इन सारे पदों की दोस्तों मिक्स होकर वैकेंसी आने वाली है। ऐसा नहीं सिर्फ सिंगल पदों पर आएगी, सारे पदों पर मिक्स होकर आने वाली है। क्योंकि भारत सरकार ने खुद ही दोस्तों ट्वीट करके ये बताया कि सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में भारत सरकार की तरफ से वैकेंसी को क्रिएट कर दिया गया और ऑर्डर पास कर दिया गया। कितनी वैकेंसी होने वाली है, तो 1 लाख से लेकर 1.5 लाख वैकेंसी होने वाली है। अब दिन दोस्तों इसका एग्जाम कब होगा, 1 जनवरी 2024 को होने वाला है। और भाई फॉर्म अप्लाई उससे आगे से स्टार्ट हो जाएगा। आपकी आयु सीमा क्या रहने वाली फॉर्म अप्लाई करने की, तो मैं बता दूं 18 से लेकर 23 साल तक ये आपकी आयु सीमा रहेगी। इसको दोस्तों मतलब एलिजिबल भी दिया जा सकता है फ्यूचर में फॉर्म अप्लाई और भी मतलब ये करने के लिए। अगर आपकी बार में तो पता ही ना कोरोना चल रहा है, इलेक्शन सर पे, तो इलेक्शन मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। मतलब 18 से 23 साल नहीं, जैसे आपकी बार दिया गया था वैसे आपको इलेक्शन भी मिल जाएगा। एससी एसटी को तो आपको पता ही है, एसटी को दोस्तों 5 साल इलेक्शन मिलता है, ओबीसी को दोस्तों आपके 3 साल इलेक्शन मिलता है, वो आपको इलेक्शन मिल जाएगा। हाइट दोस्तों जिस जनरल कैटेगरी में 70 सेंटीमीटर मांगे, सेम दोस्तों हाइट भी आपके 170 सेंटीमीटर ही मांगे जाएंगे। और ये दोस्तों जो नोटिस आया है जो आपको दिखा रहा हूँ, गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जारी किया गया है और भारत सरकार का ऑर्डर है दोस्तों कि जैसे एसजीडी की 2023 वाले का प्रोसीजर कंप्लीट होगा, थोड़ा मोड़ा आगे बढ़ेगा मेडिकल वगैरह, उस टाइम तक मेरे ख्याल से आपकी न्यू वैकेंसी भी आ जाएगी, 1 से लेकर 1.5 लाख वैकेंसी आने वाली। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और भाई एग्जाम तो बता दूं 1 जनवरी 2023 में ही आपके एग्जाम होने वाले, मतलब समझ रहे हो। तो भाई मतलब अब की बार अगर आप थोड़ा सा भी ये ढील छोड़ दोगे ना तो नहीं होगा सिलेक्शन, तो अभी से लग जाओ तैयारी में, क्योंकि ये मौका फिर जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा भाई कि आप फिर से भाई भारत सरकार आप सबके लिए वैकेंसी नहीं निकालेगा जैसे वैकेंसी अभी निकाल रहा है। ये वैकेंसी निकालने का सिंपल सा रीजन मैं आपको अभी भी छाती ठोक के बोल सकता हूं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि एसजीडी की फिर वैकेंसी आएगी भाई, सब बोल रहे थे कि नहीं आएगी, अब ये वैकेंसी 5 साल के बाद आएगी, 6 साल के बाद आएगी। पर मेरा वीडियो आप जाके देखो, मैंने पेपर कटिंग वगैरह दिखाया, सब कुछ बताया कि वैकेंसी 5-6 साल बाद नहीं, अगले साल वैकेंसी आने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि इलेक्शन सर पे है भाई। और जब दोस्तों गवर्नमेंट का इलेक्शन सर पे होता है ना, तो गवर्नमेंट सारा चीज करता है भाई, सब कुछ करता है। तो वही वो दोस्तों हाल होने वाला है, इलेक्शन सर पे है, गवर्नमेंट सब कुछ करेगा, आपकी न्यू वैकेंसी भी आएगी, इलेक्शन भी मिलेगा और दोस्तों फॉर्म अप्लाई भी आप करोगे, आपका नौकरी भी तय होने वाला है, मैं बता देता हूं सिंपल सी बात। और इस वाला जो भर्ती होगा इसमें दोस्तों अग्निवीर वालों को भी छूट मिलेगी 3 साल की, एक्स सर्विसमैन वालों का सब कुछ होने वाला है। पूरा आपको डिटेल मैंने जानकारी दे दी है। अब दोस्तों ये शॉर्ट नोटिस आया हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से लेटर इशू हुआ है सीएपीएफ को, ठीक है। अब ये सीएपीएफ में वैकेंसी आएगी, 1 जनवरी में दोस्तों आपके एग्जाम होने वाले हैं। और ये दोस्तों ऑफिशियल ट्वीट है भारत सरकार की तरफ से, पीएम नरेंद्र मोदी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे भी ये दिया हुआ है, आप यहां से देख सकते हो, पीएमबी की वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, हर जगह ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो न्यू वैकेंसी आने वाली है भाई, अब आपकी तैयारी में जोर देना है। देखो अब की बार जैसा नहीं होना चाहिए, बहुत बच्चों का नाम नहीं आया सिलेक्शन, ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन अब की बार जो वैकेंसी आएगी उसमें अपना 100% देना है और अपने सिलेक्शन को पक्का करके जाना है। क्योंकि अगर आप अभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे तो फिर आपको कभी नहीं ले पाओगे। तो मौका यही है, जितना रगड़ा उतना तगड़ा, मौके पे चौका मारना आपका काम है। अगर आप चौका नहीं मार पाओगे तो फिर आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो अपने मौके पे चौका मारो, अपना 100% दो, देन दोस्तों एसएससी में अपने सिलेक्शन को लेके आओ। और ये नोटिस आ चुका है, ऑफिशियली नोटिस है, और आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप सबको बताया आपके भाई फेक नोटिफिकेशन नहीं प्रोवाइड कराता है। जो भी इन्फॉर्मेशन होता है जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होता है, अगर ये फेक इन्फॉर्मेशन होता है तो मैं प्रोवाइड ही नहीं कराता हूं। मेरे चैनल पर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जो भी दोस्तों राइट इन्फॉर्मेशन है वही आपको मिलने वाला है, फेक इन्फॉर्मेशन वगैरह मैं प्रोवाइड नहीं कराता हूं। जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, एसएसजीडी की न्यू वैकेंसी आने वाली है मेरी जान, करीबन 1 लाख से 1.5 लाख वैकेंसी आएगी और सारे फोर्स में आने वाले, इसी से बीएसएफ आईटीबीपी सब में आएगी। तो पूरा जान लगा के मेहनत करो, जितना रगड़ा उतना तगड़ा, और जान लगा दे फिर जाने दो भाई, खुश तो बहुत हो गए, बहुत बच्चे भाई दुखी हो गए। तो देखिए दुख आते जाते रहता है, खुश भी आ रहा है, लेकिन ये खुशी भी फिर से दुख में बदल जाएगा अगर आप प्रिपरेशन नहीं करोगे। तो अपने पढ़ाई पे पूरा पूरा जोर लगाओ, अच्छे से प्रिपरेशन करो, बेस्ट ऑफ लक। मैंने आपको कम वैकेंसी बोला था, लेकिन वैकेंसी तो और भी ज्यादा आ रही है, वैकेंसी आएगी भाई, इलेक्शन है, लेकिन इस साल लास्ट वैकेंसी है, इसके बाद जीडी की फिर वैकेंसी आने का चांस बहुत ज्यादा कम है। तो अब की बार जो और एक वैकेंसी आ रही है 2024 वाली, उसमें आपको पक्का सिलेक्शन लेके जाना है, मेहनत पूरा अपना ईमानदारी से करना है, पूरा जान लगा देना है भाई, 100% देना है। देखिए कमेंट आपको क्या कर रहा है, यूट्यूब पे कमेंट कौन कर रहा है, ये कर, उसको आपको देखने की कोई जरूरत नहीं, वो फालतू लोग है बहन, जो आज तक एग्जाम क्लियर किया है नहीं किया है ना,
सर पांच पांच एग्जाम आदमी के लिए अगर बैठा हुआ है तो छोड़ो, चुतियों की बात है, चुतियों की बात पे ध्यान मत देना, अपने ऊपर फोकस करो, बाहर में जाए। आप मेरे को मेरे से कनेक्ट हो पा रहे हो ना कि सौरभ भाई जो बोलता है वो सही बोलता है, मेरे से कनेक्ट हो ना आप, मेरे से कनेक्ट रहो, ठीक है ना। चूती की बातें क्यों छोड़ रहे हो भाई, वो चूती जो मेरे को गाली देते हैं ना वही आके पूछते हैं सौरभ भैया मेरा नाम ये में है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, समझे, एक कमेंट में गाली देते हैं, कौन भाई पूछते हैं, तो उनका एक दिक्कत मत लो, खुद कुछ नहीं पता है, बकर बकर करते रहते हैं, हटाओ। अब अपने ऊपर फोकस करो, अभी से आपको प्रैक्टिस करना, जिन लोग का आपके पास रिजल्ट नहीं हुआ है अपना 100% देना है भाई, पूरा जान लगा के मेहनत करना है, जितना रगड़ा उतना तगड़ा, जान लगा दे फिर जाए दो, पूरा आराम से मेहनत करना है, 100% देना है। और मैं बता दूं, अगर एक साल आप मेहनत कर दोगे रगड़ के तो अगली बार SSGD में आपका इतना हाई स्कोर होगा ना कि बहन चोद नापने वाला एक भी बंदा पैदा नहीं होगा। बस मेहनत अब की बार आपको करना है, जान ला के मेहनत करना है SSGD में, पूरा अपना 100% देना है, सिलेक्शन तो लेना ही है भाई। अगर आप अपने पे आ जाओ ना तो किसी का बाप नहीं रो सकता आपका सिलेक्शन, बस आप अपने पे आ जाओ, ठीक है ना, अपने पे आ जाओ, अपना 100% दो, सिलेक्शन तो होना ही है। और ऑफिशियली दोस्तों ट्वीट भी आ चुका है, तो अब आपका तो आने ही वाली है भर्ती, तो भर्ती जैसे आती है इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराने के लिए मैं हूं, और भाई January 1 में एग्जाम होने वाला, ये चीज याद रखना, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो दोस्तों यार इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, मिलते हैं आपको दोस्तों वीडियो में, ऐसे भाग मना की जगह।